गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ वीडियोस में आपने देख ही लिया है कि यहाँ पर जो है वो ऑटम आ गया है, पर आज मैं आप लोगों को बाहर घुमा तो नहीं रही हूँ, पर मैं सभी लोगों को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जिससे आप यहाँ पर मतलब जर्मनी या यूरोप में, क्योंकि एकदम से ठंड पड़ने लगती है अक्टूबर जैसे ही स्टार्ट होता है, कैसे आप अच्छे दिख सकते हो, कौन से ब्रांड से मैं कपड़े खरीदती हूँ। और एक कहावत भी है यहाँ पर, लोग बोलते हैं कि जैसे ही विंटर्स चालू हो जाती है आप अच्छे नहीं दिख सकते क्योंकि आपको हमेशा बहुत सारे जैकेट्स में जो है वो ढके रहना होता है या बहुत सारे जैकेट्स पहनने होते हैं। पर मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर अच्छे कपड़े हों तो आप अच्छे दिख सकते हो। वही मैं आपको अपने कुछ लुक्स बताऊँगी वीडियो में, बहुत अच्छे लुक्स हैं तो सारे देखना। स्किन केयर, बिकॉज समर से एकदम से जब हम लोग ऑटम पे आते हैं मतलब अक्टूबर मंथ में आते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। जैसे अभी आपको लग रहा होगा यार सनी है, हो सकता है यहाँ पर गर्मी हो, पर यहाँ पर गर्मी नहीं है। यहाँ पर अभी तो 16 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, पर सुबह सुबह माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है। और कभी कभी जो टेम्परेचर है वो मतलब नॉर्मली 10 टू 11 जो डिग्री है वो होता है, जो कि ठंडी होती है। उस टाइम पे आप अपनी स्किन का कैसे ध्यान रख सकते हो और स्किन के लिए कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। हमें लगता ज़रूर है कि सनी है और पर ठंड है तो हम लोग सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते, पर मैं आपको बोलूँगी कि इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको आज बहुत अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूँगी, बहुत सारे नहीं हैं पर कुछ इतने अच्छे हैं प्रोडक्ट्स जिससे आप अच्छे दिख सकते हो, ग्लोइंग दिख सकते हो, स्किन आपकी हाइड्रेटेड रहेगी पूरे टाइम, और साथ ही साथ आप कपड़े भी इस तरीके के पहन सकते हो जिससे आप अच्छे लगो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत मेहनत करिए तो लास्ट तक देखना, और सबसे अच्छा गारमेंट कौन सा लगा आपको वो भी ज़रूर कमेंट करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं स्टार्ट करूँगी स्किन केयर से, जो मैंने चेंजेस करे हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी, और सारे ही प्रोडक्ट्स की जो भी डिटेल्स है, लिंक्स हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी और आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दूंगी। तो सबसे पहला चेंज जो मैंने किया है अपनी स्किन पे वो ये है, वो है फेशियल ऑयल। फेशियल ऑयल आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखता है स्किन को, तो मैंने सबसे अच्छा वो ही सोचा कि नहीं यार मेरे स्किन पे ऑयल जो है वो जाना ज़रूरी है। इसी के लिए मैंने जो बेस्ट ऑयल था यस स्टाइल की वेबसाइट से वो चूज़ करा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि हमें ऐसा लगता है कि ऑटम में ठंड है पर सन जो होता है वो रहता है, तो इसमें सब लोग क्या सोचते हैं कि यार सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी नहीं है, पर ये बिल्कुल मत करना। अगर आपको सन रेज दिखती नहीं है तो भी सन रेज होती हैं, और इसीलिए मैं तो भैया पूरे 12 महीने जो है वो सनस्क्रीन लगा के ही बाहर जाती हूँ, और मैं आपको वही रिकमेंड करूँगी। तो ये जो डेली गो टू सनस्क्रीन है ये बहुत क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन है, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ लगाया है, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है, जो मैंने चेंज किया है समर्स वर्सेस ऑटम में। इसके अलावा मैंने कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो चेंज करे हैं। जैसे जब भी मौसम चेंज होता है तो मुझे कभी कभी ना एक्ने आने लगते हैं छोटे छोटे, आई थिंक आप सभी लोगों को होता होगा कि जैसे ही मौसम एक से दूसरा चेंज हुआ तो वो आने लगता है, तो उसी के लिए मैंने ये डर्मा सॉल्यूशन टोलर जो है वो मंगाया है, जो कि मुझे रोकेगा मतलब मेरी स्किन को रोकेगा कोई भी एक्ने वगैरह से। और देन दिस वन जो कि है एक हाइड्रेटेड टेक्नोलॉजी, जो अगेन आपकी जो स्किन है उसको हाइड्रेटेड रखेगा। और आई थिंक आप लोगों को नहीं पता होगा एक चीज़ जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, सारी लड़कियों को रिकमेंड करूँगी, वो ये है क्लिंजर। क्लिंजर जो क्रीम बेस्ड क्लेंज़र होते हैं वो मेकअप रिमूविंग के लिए लोग यूज़ करते हैं, और जैसे हम लोग मेकअप जो है वो ऐसे ही धो लेते हैं, इट्स नॉट रिकमेंडेड। तो आप हमेशा जो है वो एक अच्छा कोई भी जो भी क्लेंज़र बाम है वो आप ले सकते हो, क्लेंजिंग बाम है, मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा है, मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी ये, इसके लिंक भी मैं आपको दे दूँगी और बहुत ही अच्छा है। और अब हम लोग चलते हैं कपड़ों की तरफ। अब आ गई कपड़ों की बात, कपड़ों मतलब अब पूरा आउटफिट। आउटफिट के लिए मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा पागल हूँ, एंड अभी यहाँ पर रहने के बाद बहुत ज़्यादा जो है मेरा जो लुक्स है वो मैं ये बोलूँगी कि एकदम सेम टू सेम हो गया है, कॉन्स्टेंट हो गया है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करती हूँ। पर ऑटम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं एक अच्छे बूट्स,
अच्छी डेनिम, दो कलर की या तीन कलर की, देन आपके अच्छे हाई नेक्स वगैरह जिसे स्वेटर भी बोलते हैं, और स्वेटशर्ट्स, कलर्ड स्वेटशर्ट्स और जैकेट, ये चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ऑटम में. ऑटम में इतनी ठंड नहीं पड़ती कि आपको हैंड ग्लव्स या फिर आपको वुलन कैप की ज़रूरत पड़े, पर ये चीज़ें जो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों के पास एक अच्छी होनी चाहिए. तो उसके लिए मैंने क्या क्या मंगाया मैं आपको शेयर करती हूँ. तो ये जो पहला लुक है, पहले लुक में मैंने क्या ट्राई किया है, मैंने एक मोनोटोन लुक ट्राई किया है जिसमें मैंने ग्रे कलर का स्वेटशर्ट पहना है और ग्रे कलर का स्वेट पैंट पहना है. ये दोनों ही चीज़ जो है वो गर्म है, तो इन केस मैं बाहर जाती हूँ 12 डिग्री या 15 डिग्री टेम्परेचर पे तो मुझे ठंड नहीं लगेगी. सबसे अच्छी बात इस तरीके की लुक की ये होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ट्रेंडी लगता है, आप बहुत ही ज़्यादा कूल लगते हो और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. ये मैंने जो है वो यस स्टाइल से ख़रीदा है, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करो या डिस्काउंट लिंक यूज़ करोगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हो डिटेल. अब ये जो दूसरा लुक है ये मैं बोलूँगी बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन लुक है, बिकॉज मैंने आपको बोला कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट हो गई हूँ और मैं हमेशा जो है बाहर जाती हूँ तो जीन्स पहन लेती हूँ, अपने स्पोर्ट्स शूज़ पहन लेती हूँ और स्वेटशर्ट या टी शर्ट पहन लेती हूँ. तो मैंने ट्राई किया ये जिसमें मैंने एक स्वेटर पहना हुआ है, स्कर्ट पहना हुआ है पिंक कलर का, और ऊपर से मैंने कार्डिगन पहना हुआ है. यहाँ पर कार्डिगन जो है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, लोग बहुत ज़्यादा पहनते हैं और बहुत ज़्यादा कूल लग, इसे मैंने जो है वो अपने मैरून बूट से स्टाइल किया हुआ है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है. और आप ये जो स्वेटर है ये इसका जो फैब्रिक है वो बहुत अच्छा है, आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हो या एज ए इनर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो. अब थर्ड लुक में, ऑटम मतलब कलरफुल वेदर होता है. कलरफुल वेदर में आपको भी ऐसा लगता है कि आप कलर्स पहनो. मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक पहनने लगी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे कलर कहीं से मिले, पर जर्मनी में कलर्स मिलना भाई मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पर कलर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं. इसीलिए मैंने ये वाला जो स्वेटशर्ट है वो देखा और मैंने ऑर्डर किया. ये स्वेटशर्ट जो है बहुत ही कूल लग रहा है बिकॉज ऑफ इसका जो फिट है. इसके अलावा यस स्टाइल पे बहुत सारे स्वेटशर्ट्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर डाल दे रही हूँ और आप देखो, बहुत प्यारे प्यारे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा. आप इसको जीन्स के साथ स्टाइल कर सकते हो, आपके जो भी अच्छे बूट्स हैं उसके साथ पहन सकते हो. एंड द बेस्ट थिंग इज़ ये बहुत गर्म है, तो अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 11 या 10 डिग्री है तो भी आपको कुछ भी ऊपर से जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है. फोर्थ लुक जो है, फोर्थ लुक आते आते एक्चुअली यहाँ पर ठंडी हो गई है, क्योंकि जैसे ही शाम होने लगती है, अभी 6 बजने वाले हैं, जैसे ही शाम होने लगती है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो एकदम से ड्रॉप होने लगता है. तो अभी मैं ठीक से बैठी हुई थी अपने अच्छे से टॉप में, पर अब मुझे ठंड लगने लगी, तो जल्दी से वीडियो ख़त्म करती हूँ और जाती. तो जो लास्ट लुक है उसमें मैंने जीन्स पहनी हुई है और बॉम्बर जैकेट से स्टाइल किया हुआ है. मैंने स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए हैं क्योंकि जब भी आप बॉम्बर जैकेट के साथ कुछ चीज़ स्टाइल करते हो तो मुझे तो कैजुअल शूज़ के साथ अच्छे लगते हैं. आप कैजुअल शूज़ भी यहाँ पर ऐसे आते हैं जो कि गर्म होते हैं, आप वो ले सकते हो. और जो बॉम्बर जैकेट की सबसे अच्छी बात ये है, ये बहुत ज़्यादा आपको कूल दिखाता है, मतलब आप बहुत डिफरेंट दिखते हो. और अंदर मैंने इसके एक इनर पहना है जो कि वॉर्म इनर है, तो आप जब वॉर्म इनर पहनते हो और बॉम्बर जैकेट पहनते हो तो आपको ठंड भी नहीं लगती, प्लस आप अच्छे भी लगते हो. आप बताना आपको कैसा लगा. एंड ये जो लुक है ये थोड़ा सा लूज टाइप का लुक है, तो ऑफ कोर्स मुझे ज़्यादा टाइट कपड़े पसंद नहीं है, तो लूज़ क्लोथ जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. और मैंने इसी तरीके की जो चीज़ें हैं वो ऑर्डर करी थी. और मुझे जो सबसे अच्छा पीस है वो ऑरेंज कलर का स्वेटशर्ट सबसे अच्छा लगा. आपको क्या लगा ज़रूर बताना, कमेंट करना. और इस स्टाइलिंग वीडियो प्लस जो स्किन केयर वीडियो है उससे आपको कुछ अच्छा लगा तो वो भी कमेंट करना. और लड़कियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अब जब ठंड आएगी विंटर्स के वीडियो में इस तरीके के. और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं. और अब भाई ठंड हो गई है, मुझे जाना है. एंड हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़.